उत्तर प्रदेश के संभल में आपने देखा होगा कि पूर्व में चर्चा का विषय बनने वाली संभल पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर देती है। नया वायरल वीडियो में हम आपको संभल पुलिस का एक और नया कारनामा दिखाएंगे। पुलिस की रस्सी को सांप बनने वाली कहावत आपने खूब सुनी होगी, मगर इस खबर में आप उल्टा सांप को रस्सी बनते देखेंगे। दरअसल मामला 10 अक्टूबर चंदौसी थाना क्षेत्र विकास नगर का है। पुरानी रंजिश के चलते चंदौसी रेलवे स्टेशन अधीक्षक आशीष मिश्रा अपने दोनों हाथों में अवैध तमंचे लेकर जान से मारने की नीयत से एक युवक के पीछे भागता है और तमंचे देख पीड़ित युवक अभय गुप्ता मौके से भाग खड़ा होता है। वही गोली लगने के डर से एक घर में जाकर छुप जाता है, पर यह सारी वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। मौका पाकर पीड़ित युवक अपनी जान बचाकर चंदौसी पुलिस थाने पहुंचता है और अपने साथ हुई घटना चंदौसी थाना प्रभारी को बताता है और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाता है, तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पीड़ित को गाली गलौज जान से मारने की धमकी आदि में दर्ज कर ये कह देती है कि रेलवे स्टेशन अधीक्षक के दोनों हाथों में एयर गन थी, न कि अवैध असला था, और मामले को गाली गलौज की धारा 504 506 में दर्ज कर मामले को खत्म ही कर देती है। मगर सीसीटीवी फुटेज में रेलवे स्टेशन अधीक्षक आशीष मिश्रा के दोनों हाथ में सफेद रंग के दो अवैध तमंचे लोड करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं और पुलिस जिन तमंचों को आरोपी रेलवे स्टेशन अधीक्षक से बरामद दिखा रही है वो काले रंग के एयर गन है। आपको बता दें कि जिस युवक को रेलवे स्टेशन अधीक्षक हाथों में दो अवैध तमंचे लिए दौड़ा रहे हैं वो पेशे से एक पत्रकार है और कुछ दिन पूर्व इस पत्रकार ने एक मर्डर की खबर की सच्चाई अपने अखबार में छापी थी। उसी मर्डर के पैरोकार है ये रेलवे स्टेशन अधीक्षक आशीष कुमार मिश्रा। मर्डर की खबर छापने से नाराज पत्रकार से रंजिश मान रहे रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने 10 अक्टूबर को पत्रकार को जान से मारने का प्रयास किया, मगर रसूख के चलते पत्रकार को कानून से भी न्याय नहीं मिल सका। अब पीड़ित पत्रकार जगह जगह भटक कर अपनी जान की सलामती की गुहार लगा रहा है। जी मैं, मेरा नाम अभय कुमार है, मैं एक पत्रकार भी हूँ और विकास नगर का निवासी हूँ। वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति आशीष मिश्रा और बंटी स्टेशन अधीक्षक है, चंदौसी में रेलवे स्टेशन अधीक्षक है, और उससे मेरी पुरानी रंजिश भी चली आ रही है। किसी एक पहले मर्डर हुआ था विकास नगर में, उसी सिलसिले में वो कुछ ना कुछ मुझसे बोलते रहते हैं कि तुम वीडियो बनाने पहुंच जाते हो या वहाँ बनाने पहुंच जाते हो। मेरा पत्रकारिता का काम है तो मैं हर जगह जाता हूँ, और इसी सिलसिले में कल मेरे पास एकदम, मैं बाहर खड़ा हुआ था और वहाँ पर दो अवैध तमंचे लेकर जो मेरे तरफ वो बढ़े और मेरी तरफ भागे एकदम, तो मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर एक पड़ोस के घर में घुस गया और जहाँ वो उस घर में भी पीछे पीछे भागे, ये पूरी वाकया एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो क्या आपके गोली मारने का प्रयास किया? हाँ बिल्कुल, गोली मारने की बिल्कुल, उन्होंने लोडेड तमंचे थे और लोडेड तमंचे वो उन्होंने मेरे को गोली मारने के इरादे से ही, और वो मेरे पीछे भागे, सीसीटीवी कैमरे में वो कैद भी हो गए हैं। और वो सारी मैंने अपनी मतलब एप्लीकेशन लिख के थाने आए हो, एफआईआर दर्ज हो गई इस मामले में आपकी? उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, कोतवाल साहब ने उसमें वो एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन उसमें तमंचे का कोई जिक्र ना करके उसमें 506 मतलब गाली गलौच और उसकी मारपीट की धाराएं हैं, ये इन्होंने एफआईआर में दिया है। 504 और 506 में वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सीसीटीवी में उसके हाथ में तमंचे दिखाई दे रहे हैं? सीसीटीवी में उसके हाथ में तमंचे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस से आपने कहा नहीं कि आगे कार्रवाई? पुलिस ये कह रही है कि वो जो है एयर गन है और बच्चों के खेलने वाले वो खिलौने हैं। अच्छा, आगे क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या चाहते हैं आगे? मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी उचित कार्रवाई हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रशासन में भी कहीं ना कहीं पकड़ है उनकी, इसकी वजह से ये सब घटना घटित हो रही है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।